दांतों की समस्या के लिए आहार में सबसे पहले परिवर्तन आप ये लाएं कि बहुत ठंडा और बहुत गर्म, ये आपके दांतों के दोनों ही दुश्मन हैं। आजकल लोगों के दांत इसलिए भी ज़्यादा खराब हैं कि लोग या तो पिएंगे ठंडा ठंडा, मतलब समझ गए होंगे आप, कोल्ड ड्रिंक, और दूसरा या फिर पिएंगे गर्म गर्म कॉफ़ी या चाय। बॉडी टेम्परेचर का खाना आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है और वह दांतों का के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा इसको करें अवॉइड, और हो सके तो आप आहार में चना खाइए सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर, उससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। पहले लोग चना खाते थे, गन्ना चूसते थे, गन्ना चूसने से दांतों की एक्सरसाइज हो जाती, दांतों करते थे तो पहले दांतों को चबाना होता था, उसकी कूची बनानी होती थी, तो ब्रश बनाना होता था, पहले ब्रश बनाते थे तो वो भी एक एक्सरसाइज थी, तो दांतों की ऐसे एक्सरसाइज हो जाती और साथ में नीम और बबूल की दांतों की जाती थी, तो उससे क्या होता था कि नीम का जो कीटनाशक जो गुण है और बबूल का जो मसूरों को पोषण देने का जो गुण है, और पारियाकी में भी दोनों ज़बरदस्त लाभ अप्रद होते हैं। तो आप सप्ताह में एक ही बार से ही यदि आपके संपर्क हैं गांव के लोगों से, या आप अपने जो है जिनसे आप लोग साग सब्जियां खरीद सकते हैं उनको आप जो बोल देते हैं यदि, तो जिनसे साग सब्जी खरीदते हैं वो लोग आपको दांतों भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप वीक में कम से कम एक बार तो ज़रूर जो है नीम की या बबूल की दांतों कीजिए, इससे दांतों की पूरी एक्सरसाइज होगी। तो चना चबा करके, गन्ना चबा करके या दांतों चबा करके आप दांतों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और यदि आपको ये सब मौके नहीं मिलते तो आप कभी कभी एक बार ज़रूर ऐसे इस तरह से एक्सरसाइज ही कर लीजिए आप, ये भी आपके लिए अच्छा है। और यदि आप शौच के वक्त लैट्रिन जाते समय आप दांतों को दबा करके बैठते हैं, इससे कई फायदे होते हैं, एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलता है और दूसरा दांतों की आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो अब बात आती है कि जो है आप आहार में क्या परिवर्तन करें। पहली बात, एक बात तो ये कि जहाँ पानी में बहुत फ्लोराइड होता है वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ उस पानी को उबाल करके और बाद में छान करके आप पीजिए, ये इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि अब गांव के लोग हैं, आपके आसपास में शुद्ध पानी मिलता ही नहीं है, तो उसका तो कोई समाधान ही नहीं है। साथ ही में आपके आहार में कैल्शियम पूरा होना चाहिए, और कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप कुछ जिन फलों में जैसे सीताफल आदि जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, और कुछ और भी अनाज अर्थात कुछ ऐसे अन्न हैं जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप वैसे रोटी खाए जा रहे हैं, तो आप आहार में क्या लाएं और ज़्यादा गहरा परिवर्तन, और आयुर्वेद भी कर सकता है आपकी मदद इस दांतों के रोग में खास, और एक्यूप्रेशर भी तो बहुत मददगार है। यदि आपको दांतों में दर्द हो रहा है आप एक सेकेंड के अंदर आप दांत के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, और आपके 100 साल तक आपके दांत आपका साथ दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण खास बातें कि आपका आहार भी आपकी औषधि हो सकता है, और साथ में आयुर्वेद आपकी कैसे मदद कर सकता है, और एक्यूप्रेशर से और क्या ले सकते हैं आप मदद, और 100 साल तक अपने दांतों को आप बरकरार रख सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, और दांतों को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी सुंदरता भी आप रख सकते हैं बरकरार। ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा इसको करें अवॉइड, और हो सके तो आप आहार में चना खाइए सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर, उससे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए उनका स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था दांतों का कचरा दांतों का खतरा है, तो आप सुबह ब्रश जरूर करें। ब्रश करने का तरीका भी अक्सर लोगों को आता नहीं है, लोग ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, आप ऐसे ऐसे ब्रश इस तरह से आप, और आप उसमें क्या प्रयोग करें जिससे कि आपके दांतों को पूरा पोषण मिले। अब आप दांतों को पोषण देना चाहते हैं तो आयुर्वेद में क्या ले सकते हैं आप मदद, आयुर्वेद में वंशलोचन का प्रयोग, वंशलोचन आप आधा ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं, आधा ग्राम, और जो है जो हमारी औषधीय तौर के ऊपर आप मोती पिष्टि और मुक्ता शक्ति या प्रवाल पिष्टि, और मुक्ता शक्ति मोती पिष्टि प्रवाल पिष्टि को आप आंवले के साथ ले सकते हैं, क्योंकि उनका अकेले लेना बड़ा मुश्किल है, तो 100 ग्राम आंवले के चूर्ण में आप 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टि, 5 से 10 ग्राम मुक्ता शक्ति, 5 से 10 ग्राम प्रवाल पिष्टि मिला करके आप लेते हैं, तो उससे आपके मसोड़े आपके दांत स्वस्थ रहते हैं। अब बात आती है कुछ घरेलू उपचार की। घरेलू उपचार में जो है अपने घर में आप जैसे बहुत गमलों के अंदर आप कई तरह के सुंदरता बढ़ाने वाले पौधे रखते हैं। आप मेरे पीछे एक पौधा है, इसको बोलते हैं अकरकरम,
आप ये अकड़कर अपने घर में लगाइए और इसके जो फूल होते हैं इनका प्रयोग कीजिए। ये फूल आप एक मुंह में डाल लेते हैं और ऐसे डाल करके ऐसे चबाते हैं आप, तो ये एक फूल आपके दांतों को पूरा फ्रेश कर देता है, आपके मुंह में ताजगी ले आता है, पारिया को मिटाता है। हमारे यहाँ पर जो हम पारियाल के लिए औषधि बनाते हैं उसमें खास करके जो दंत मंजन भी हम जो बनाते हैं उसमें इसके अकर करा के हम पुष्प डालते हैं और इसका मूल भी डालते हैं, जो है वो मोरक्को से और बाहर के कंट्री से यद्यपि इसका मूल आता है लेकिन इसका फूल तो बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अपने घर में गमले में इसको लगाइए और रोज़ नहीं तो सप्ताह में एक बार, और रोज यदि एक भी फूल आप मुँह में डाल करके थोड़ी देर इसको मुँह में घुमा लेते हैं, आप देखना उसके बाद में मुँह की जो फ्रेशनेस है वो देखते ही बनेगी आप। खैर, ये दांतों के लिए बहुत अच्छा उपाय है, ये अकरकरा का उपाय है। सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है चौलाई में, तो आप चौलाई की खीर खा सकते हैं, चौलाई के लड्डू खा सकते हैं और आप चौलाई का आटा भी बना सकते हैं। और चलते चलते एक्यूप्रेशर का उपाय, नाखून जहां समाप्त होता है और यहां इधर से ये उंगली का ये भाग शुरू होता है, यहां पर दबाने से दांत के रोगों से छुटकारा मिलता है। जिधर दांत में दर्द भी हो रहा है उधर के आप टॉप पर दबाएंगे, जिधर दुखता हो वहीं दबाइए तो दर्द भी ठीक हो जाता है। और ही कुछ नहीं तो अपने एक फर्श के ऊपर उंगलियों को ऐसे रख करके ऐसे प्रेशर देने से भी दांतों की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। ये था आज योग यात्रा में दांतों की समस्याओं का समाधान।